हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज हम आपकी ईवीएस की बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है छोटूज हाउस, ठीक है, इसके बारे में हम कुछ देखेंगे। भाई, इसमें क्या दिया गया है, हमें क्या बताना चाहता है, ठीक है भाई। अब हाउस की बात कर रहा है, देखो, छोटू के घर की बात। तो एक पिक्चर यहाँ पे कुछ दी हुई है। देखो, फर्स्ट पिक्चर में क्या है भाई, एक लड़का दिख रहा है, ठीक है, रोड दिख रहा है, ये इधर एक कुछ घर है, पेड़ है, आदमी चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड पिक्चर में क्या है भाई, बारिश वगैरह हो रही है, बच्चा बैठा है एक छुपा हुआ, ठीक है, चादर वगैरह ओढ़ के बारिश से बचने के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, इधर एक बच्चा पाइप के अंदर सोया हुआ है, और इधर यही बच्चा क्या कर रहा है भाई, खाना पका रहा है, यहाँ पे कपड़े सुखा रखे हैं, है ना। तो एक स्टोरी इसने बना दी है। इधर क्या है भाई, ये बच्चा तो यही है जो कपड़े सुखा रहा था और खाना बना रहा था, ठीक है, और ये एक और बच्चा आया अब, और ये दोनों साथ में बैठ के अब बातें कर रहे हैं और कुछ पानी वगैरह चाय वगैरह पी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टोरी तो बताई नहीं गई है, लेकिन हमें एक पिक्चर दी गई है, ये कुछ इससे हमें स्टोरी बनानी है। तो भाई, स्टोरी में क्या हुआ होगा भाई, एक लड़का होगा छोटू, ठीक है, ये आया मुंबई में, छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई, छोटू मुंबई में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने देखा भाई, आसपास ढूंढा होगा कुछ, तो घर वगैरह तो इसे मिला नहीं, ठीक है, गरीब बच्चा लग रहा है कुछ। तो अब इसने क्या देखा होगा भाई, ये रोड साइड ये जो पाइप है ये देखा होगा भाई, इसने देखा भाई बारिश बारिश में लोग भीगते हैं, बचेंगे कैसे, ठीक है, बारिश से कैसे बचेंगे, सर्दी से कैसे बचेंगे, आंधी से कैसे बचेंगे, ठीक है ना। तो इसने देखा ये पाइप है, इसने क्या किया होगा भाई, इसमें रेस्ट किया, मतलब इसे अपना घर जैसा बना लिया। देखो, घर बना लिया ना, यहाँ पे देखो कुछ डब्बा लग रहा है नहाने का, यहाँ पे कपड़े सुखाने का बना लिया इसने, या खाना बनाने का, और अंदर चादर और सोने का इंतज़ाम कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, एक लड़का है मुंबई आया, उसने इस पाइप में अपना घर बनाया, ठीक है। फिर कोई और होगा, इसका दोस्त होगा ये बच्चा, जो इससे मिलने आता है, और ये दोनों गपशप करते हैं, चाय वाय पीते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्टोरी रही होगी, और हो सकता है कि ये बच्चा या इसके साथ रहने भी लग गया हो यहाँ पे, ठीक है, गाँव का हो। तो ये एक स्टोरी हमने क्रिएट कर ली इससे, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ और देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब जो हाउस की बात कर रहा है ये, तो हाउस कितने टाइप के होते हैं भाई? दो टाइप के होते हैं हाउस, कच्चा हाउस और पक्का हाउस, ये देखो, ठीक है। हाउस जो है दो टाइप के होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है भाई, जो मिट्टी से बना हो, ठीक है, और पक्का हाउस जो सीमेंट वगैरह, सरिया वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ईंटें होती हैं, ठीक है, तो उनसे बना होता है। अब देखो, इनके बारे में कुछ बातें बता रखी है यहाँ पे मैंने। कच्चा हाउस में क्या होता है भाई, मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, लीव, स्टिक, मड एंड ग्रास, कह रहा भाई मिट्टी से, ठीक है, कुछ सीक वगैरह होती है ना, जैसे बांस से बनता है, बांस से, लकड़ियों से बनता है, ठीक है, कुछ घास फूस लगा देते हैं, देखो ऐसे मैंने पिक्चर भी ड्रॉ की है आपके लिए, ठीक है, और मिट्टी से बना देते हैं, ठीक है, उसकी लिपाई पोताई करते हैं ना, जैसे गीली मिट्टी से उसके लीप पोत के, उसके जैसे पेंटिंग वगैरह करते हैं वैसे कर देते हैं, उस पर कुछ डिज़ाइन वगैरह बना लेते हैं घर में, ठीक है। गाँव में आपने देखा भी होगा, पुराने घर जो होते हैं कहीं पर देखा होगा आपने, कच्चे घर, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, इट इज़ वीक, भाई वो कमज़ोर होता है, ठीक है, जल्दी टूट भी सकता है। इट हैज़ ओनली वन स्टोरी, और जो कच्चा हाउस होता है वो एक ही मंजिल का होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं कच्चे हाउस के बारे में। अब पक्के हाउस के बारे में क्या है भाई, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, ग्रेवल एंड सैंड। अब ग्रेवल क्या होता है, कंकड़, ठीक है, कंकड़ भी लगती है ना, जैसे बदरपुर होता है, ठीक है, मिट्टी होती है, सीमेंट होता है, उन सब का मसाला वगैरह बनता है, कंकड़ भी गिरते हैं उसमें, ठीक है, लेंटर वगैरह गिरता है, सरिये होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से बनता है भाई पक्का हाउस। और क्या होता है भाई, इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउस, भाई ईंटें और सीमेंट वगैरह से बनता है, तो जो मिट्टी का घर है उससे तो पक्का ही होगा, है ना, तो ये वाला पक्का घर होता है, मतलब कि स्ट्रॉन्गर होता है उससे, कच्चे घर से। इट कैन बी मल्टी स्टोरेड, और ये बहुमंजिला हो सकता है। देखो, मैंने ये बनाया कुछ, ये मेन गेट हो गया, जैसे ये दीवार हो गई, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर आ गया आपका, बालकनी आ गई, ये दो रूम्स दिखा दिए, यहाँ पे छत आ गई, ये टंकी आ गई पानी की, तो
तो इस तरह से कई मंजिलों के भी होते हैं, ऊंचे ऊंचे भी देखे हो आपने, दस दस बारह बारह मंजिलों के जो फ्लैट्स होते हैं वो भी तो पक्के घर के जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है घर के बारे में, मैंने आपको कुछ बताया यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ जानकारी के लिए है आपकी, चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं वापस अपने चैप्टर पर। अब चैप्टर में क्या है भाई, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं भाई। इसने कहा भाई स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। अब अपने इसने कहा भाई पिक्चर्स को ध्यान से देखो, उन्हें समझो और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर दो। अब हमने पिक्चर से एक स्टोरी क्रिएट की थी, ठीक है ना। ये छोटू है, मुंबई आया, इसने पाइप को अपना घर बनाया, यहाँ पे एक और लड़का इससे मिलने आया, हो सकता है इसका दोस्त हो, गांव वाला हो, और ये साथ में मिलकर रहने लगे हों, ठीक है। तो इस तरह की एक स्टोरी हमने बना ली। अब यहाँ पे हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। अब पूछ रहा है आपसे कि छोटू ने क्या सोचा जब उसने उसको पाइप दिखा या उसने पाइप को देखा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, देखो बच्चों मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। व्हेन छोटू लुक्ड एट द पाइप ही थॉट दैट पाइप वुड बी द सेफेस्ट प्लेस टू लिव। पाइप कुड सेव हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स रेन एंड कोल्ड। उसने सोचा भाई पाइप जो है वो सेफ प्लेस की तरह आपके लिए काम कर सकता है, मतलब एक सुरक्षित जगह हो सकती है रहने के लिए, जो कि आपको किस किस चीज़ों से बचा सकती है भाई, तेज हवाओं से, ठीक है, आंधी तूफानों से हो सक कह सकते हैं हम, रेन बारिश से, कोल्ड सर्दियों से बचा सकता है, ठीक है। तो एक तरह से वो घर का काम इसके लिए कर सकता है। तो ये आपका आंसर मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहीं पे इसी पेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। अब उसने कहा भाई छोटू ने पाइप को किस तरह से इस्तेमाल किया। छोटू यूज द पाइप एज अ होम। हमने देखा ना भाई छोटू ने घर की तरह इसे यूज किया, देखो घर की तरह यूज कर रहा है ना इसे, सब कुछ है इसके पास, किचन भी है, बाथरूम भी है, ठीक है, कपड़े सुखाने की जगह भी है, और यहाँ पे देख रहे हो आप गेस्ट रूम भी, ये एक तरह से लिविंग रूम बना सकते हैं भाई, घर में होता है ना लिविंग रूम, ड्राइंग एरिया, जहाँ पे टीवी वगैरह देखते हैं, सोफे वगैरह गेस्ट आते हैं तो वहाँ बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप इन इट्स सराउंडिंग एरिया। उसने कहा भाई, यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन है, तो उसने पूछा कि उसने आपके घर के आसपास के एरिया को किन किन भागों में बांट दिया, ठीक है, कितने कितने ओ कितने पार्ट उसने बना दिए। अब देखो इस पिक्चर को हम देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर लगाए हैं भाई। उसने कहा भाई छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। छोटू ने अपने घर पाइप का आस पाइप और उसके आसपास का इलाका एरिया जो है उसे इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब पहला पार्ट क्या भाई, अ पार्ट फॉर स्लीपिंग। अब भाई कुछ हिस्सा इसने सोने के लिए बना दिया, देखो पाइप के अंदर वाला है ना। अ पार्ट फॉर कुकिंग। अब देखो इसने बाहर यहाँ पे एक चूल्हा बना दिया ईंट का, ठीक है, और यहाँ पे इसने किचन टाइप बना दिया अपना, तो एक किचन का पार्ट हो गया भाई, कुकिंग करने के लिए एक जगह बना दी इसने। अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। अब एक कपड़ा इसने तार बांध दिया पाइप पर ही, ठीक है, तो यहाँ पर इसने कपड़े सुखाने की जगह भी बना दी। अ पार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर। अब देखो इसने एक ड्रम ड्राम बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसमें एक टैंक बोल सकते हैं इसे, टंकी, तो उसे पानी भरने के लिए एक जगह बना दी इसने। अ पार्ट वेयर गेस्ट्स कैन सिट और गेस्ट रूम। अब देखो यहाँ पे बैठे हैं ना ये, तो एक गेस्ट रूम जैसा बना दिया इसने, ठीक है, कुछ हिस्सा गेस्ट रूम जैसा बना दिया इसने। तो ये इन हिस्सों में इसने अपने घर को ये और इसके पाइप के आसपास के एरिया को डिवाइड कर दिया। इन विच पार्ट ऑफ हिज हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। अब उसने कहा भाई छोटू अपने घर के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा समय बिताना पसंद करता है या करेगा। छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द पार्ट विच वॉज मेंट फॉर गेस्ट्स। भाई छोटू को जो गेस्ट रूम इसने बनाया है, गेस्ट के लिए जो जगह बनाई है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम बिताने को अच्छा लगता है इसे, ठीक है। तो ये इसका आंसर लिखेंगे आप। नेक्स्ट है भाई, व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप। अब कह रहा भाई छोटू को उसने क्यों बुलाया होगा अपने साथ रहने के लिए। अब ये कोई बच्चा है छोटू, हम देख रहे थे ना भाई, इसका कोई दोस्त हो सकता है, जानने वाला हो सकता है, गांव वाला हो सकता है, तो ये इसका नाम है छोटू मोनू, ठीक है।
इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। छोटू ने मोनू को इन कारणों से अपने घर में बुलाया होगा साथ रहने के लिए। मोनू हैड नो प्लेस टू लिव। अब जैसे इसको इसने प्लेस ढूंढा था भाई, इसको भी प्लेस नहीं मिला था ना शुरू में रहने के लिए, तो इसने भाई मोनू के पास भी कोई जगह नहीं होगी। अब इसके पास तो जगह है, तो इसने सोचा वो भाई मेरे साथ रह लेगा यहाँ पे। छोटू नीडेड समवंस कंपनी। अब छोटू अकेला था ठीक है, और उसे कंपनी मिल जाएगी, एक दोस्त मिल जाएगा, तो साथ में मिलकर रहेंगे तो बातें भी कर पाएंगे, खेल भी पाएंगे ठीक है, साथ मिलकर काम भी कर पाएंगे। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से मोनू को उसने रहने के लिए बुलाया होगा अपने साथ। अब यहाँ पे देखते भाई, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अब ये बच्चों आपके लिए एक एक्टिविटी है ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्टिविटी। तो आपके लिए एक्टिविटी है कि आप अपनी नोटबुक में एक घर बनाएंगे, अपने घर की एक पिक्चर बनाएंगे और उसे कलर करेंगे भाई, आपका घर कैसा दिखता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। आपसे पूछ रहा है भाई आपके घर में और कौन कौन आपके साथ रहता है, तो ये आप अपने आप से भी लिखेंगे इसमें, आपके घर में कौन कौन रहता है, चाहे चार आदमी रहते हो, पांच आदमी रहते हो, कितने भी रहते हो वो आप लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है भाई, मदर होते हैं ठीक है, फादर रहते हैं, छोटे बहन भाई हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर आ सकते हैं यहाँ पे ठीक है, या छोटे बड़े जो भी हैं, ब्रदर या सिस्टर ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ठीक है, अंकल आंटी, तो इस तरह से आप लिखेंगे, अपना लिखेंगे कि आपके घर में कौन कौन रहता है ठीक है। छोटू डिवाइडेड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। भाई छोटू ने जैसे अपने उस पाइप को और आसपास के एरिया को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, वैसे ही आपके पूछ रहा है कि आपके घर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। भाई देखो घर में क्या क्या होता है, बेडरूम होता है ठीक है जिसमें हम सोते हैं, किचन होता है रसोई घर जहाँ पे खाना पकाते हैं, बाथरूम होता है नहाने के लिए, टेरेस छत होती है भाई ठीक है, हॉल या ड्राइंग रूम बोल सकते हैं, लिविंग रूम बोल सकते हैं ठीक है, जहाँ पे सोफा वगैरह डालते हैं, टीवी होता है, गेस्ट रूम, वो गेस्ट आके बैठते हैं उसे बोल सकते हैं, गेस्ट रूम भी लिख सकते हैं हम ठीक है। आप अपने लिखेंगे कि आपके घर में कौन कौन से पार्ट है, भैया तो सबके घर में ही होते हैं ना, अब आपके घर में और भी कुछ है जैसे गार्डन भी है ठीक है वो आप लिख सकते हैं, बालकनी एरिया है या और कुछ आपने बना रखा है आसपास ठीक है वो आप लिख सकते हैं, और भी कोई रूम है, किड्स रूम बोल सकते हैं ठीक है, बच्चों के लिए अलग रूम भी होते हैं, कंप्यूटर रूम, स्टडी रूम ठीक है। तो आप ये अपनी मर्जी से लिखेंगे कि आपके घर में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं ठीक है, ये आपके लिए हैं दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है भाई, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। कह रहा भाई आप अपने घर में अलग अलग हिस्सों में कितना टाइम बिताते हैं। वैसे तो ये आपके ही, आपको अपने अकॉर्डिंग देना है इसका आंसर ठीक है, लेकिन मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल आंसर आपके लिए तैयार किया है, सैम्पल आंसर बोल सकते हैं इसे। भाई देखो मैंने ये चार पार्ट लिए हैं घर के, इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं जो आपके घर में पार्ट हैं ठीक है, और आप बताएंगे कि आप उनमें कितना कितना समय बिताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है मैंने ये बेडरूम, बेडरूम में कितना टाइम बिताते हैं भाई, 7 से 8 घंटे तो कम से कम बिताते ही हैं है ना, ऑलमोस्ट 7 to 8 hours भाई सोते हैं तो सोने में ही 6-7 घंटे निकल जाते हैं है ना, और फिर और भी टाइम निकल सकता है इसमें, बैठे हैं पढ़ रहे हैं या और कोई भी कुछ कर रहे हैं बेडरूम में, तो लगभग इतना टाइम हम स्पेंड करते ही करते हैं। बाथरूम भाई नहाना धोना हो गया ठीक है, उसमें कितना भाई, आधा घंटा लग जाएगा, कपड़े धोना जैसे मम्मी वगैरह करती हैं तो कुछ टाइम लग सकता है, तो कम से कम आधा घंटा तो या लगभग आधा घंटा लग जाता है। किचन, किचन में 20 से 30 मिनट स्पेंड कर सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है कि कर सकते हैं इतना भाई, जैसे लड़कियां हैं आपकी बड़ी बहन होगी ठीक है या मम्मी है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है भाई, लगभग सारा ही दिन किचन में चला जाता है, सुबह का खाना, दोपहर का, शाम का ठीक है। तो आप अपने बारे में लिखेंगे ठीक है ना, तो मैंने लिखा भाई लगभग 20 से 30 मिनट हो सकता है ठीक है, कम भी हो सकता है, 4 से 5 मिनट भी हो सकता है, पूरे दिन में जाते ही नहीं है किचन में। लिविंग रूम, लिविंग रूम में क्या भाई 2 to 3 hours भाई टीवी वगैरह देखते हैं बैठ के, वहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं ठीक है, तो टीवी वगैरह देख लेते हैं तो 2 to 3 hours तो कम से कम वहाँ पे भी बिताते हैं ठीक है। तो ये एक सैम्पल आंसर आपके लिए, आप इसमें अपना खुद पे लिख सकते हैं कि आप बेडरूम में कितना समय बिताते हैं,
या फिर किसी के घर में स्टडी रूम है उसमें कितना समय बिताते हैं, गार्डन एरिया है उसमें कितना टाइम बिताते हैं, ठीक है ना, वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर में। नेक्स्ट क्या है भाई, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेम्बर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम। कह रहा भाई आपके घर में और भी कोई ऐसा कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पे कोई एक सदस्य, पर्टिकुलर सदस्य ज़्यादा समय बिताता हो, ठीक है भाई। अब देखो इसमें भी हो सकता है आंसर, तो यस माई मदर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द किचन। मेरी माता ज़्यादातर समय अपना किचन में, रसोई घर में बिताती है, ठीक है ना, सही तो कह रहा है भाई, मम्मी का ज़्यादातर टाइम किचन में ही जाता है, तो ये आंसर हो सकता है। या फिर यस माई ग्रैंड फादर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द गार्डन। भाई जैसे ग्रैंड फादर होते हैं बूढ़े लोग, उनको उन गार्डन में बगीचे में ज़्यादा मज़ा आता है भाई, गार्डनिंग करते रहते हैं, कुछ पौधे वगैरह उनकी देख रेख, ठीक है ना, उनको वहाँ पे बैठना पसंद है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। या गेस्ट रूम में ज़्यादा टाइम बिताते हैं भाई, जैसे बूढ़े लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, आते हैं वहाँ पे डेली गप्पे लड़ाते हैं फ्रेंड्स मिलके, ठीक है ना, ताश वगैरह खेल लेते हैं या कोई गेम खेल लेते हैं, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं भाई। जैसे मदर का एग्जांपल दिया, ग्रैंडफादर का दिया, ऐसे आपके घर में और कोई भी है मेंबर जो एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा टाइम बिताता है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। कह रहा भाई आपके घर में ऐसा भी कोई हिस्सा है जहाँ पे कोई एक सदस्य है ज़्यादा समय के लिए नहीं जाता है या फिर जाता ही नहीं है, तो ये भी हो सकता है भाई, इसका भी आंसर देखते हैं हम। यस माई फादर नेवर गोज टू द किचन और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। भाई पापा लोग को आपने देखा होगा बहुत कम किचन में जाते हैं, तो इसका आंसर ये हो गया कि भाई मेरे फादर जो हैं वो जाते ही नहीं है या फिर जाते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए जाते हैं। भाई वैसे तो हमें बोल देते हैं वो लोग, है ना, कि जाओ बेटा पानी ले गया हो, मम्मी अपने आप खाना वाना ले आती है, चाय ले आती है, ठीक है ना, उनको वो तो जाते ही नहीं कभी किचन में, और कभी कभार ये भाई मम्मी कहीं पे गई हुई है या आप लोग भी गए हुए हो तो वो खुद से ले लेते हैं सामान, ठीक है ना, तो जाते हैं तो बहुत ही कम टाइम के लिए जाते हैं पापा, ज़्यादातर बाहर ही, सबके फादर जॉब वो करते हैं तो बाहर ही उनका समय निकलता है ऑफिस वगैरह में, ठीक है, तो इसका आंसर भी ये हो गया। या फिर और भी कोई मेंबर है आपके घर में जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कम जाता है या फिर जाता ही नहीं है, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने आज पेज नंबर 32 तक आपका ये वाला चैप्टर कवर किया है, ठीक है, तो इसका अब कुछ पार्ट और बचा है इस चैप्टर का, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आपको ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं वो करने हैं, ये वाले आपको खुद से लिखने हैं, इन वाले क्वेश्चन में भी आपके पास ऑप्शन है, अगर खुद से कोई आंसर आता है आपके दिमाग में तो वो भी लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। और ये एक एक्टिविटी है, ठीक है ना, फिर से बता देता हूँ कि एक आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे अपने घर की अपने नोटबुक में, ठीक है, इसी की नोटबुक में कर लेंगे, EVS की नोटबुक में, और उसे कलर करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे कि आपका घर कैसा दिखता है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।